नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर, आप लोगों के साथ में ज्यूरिसप्रूडेंस यानी विधि शास्त्र के अंतर्गत विभिन्न जो विषय हैं उनके बारे में जानकारियां साझा कर रही हूँ। पूर्व में हम लोग ये देख चुके हैं कि विधि शास्त्र के अंतर्गत जो ऐतिहासिक विचारधारा है यानी जो हिस्टोरिकल स्कूल है उसका क्या महत्व है और उसमें मुख्य रूप से क्या विचार रखे गए थे। पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल स्कूल के दो मेन ज्यूरिस्ट्स हैं, एक तो सेविग्नी और दूसरे सर हेनरी मेन। तो आज हम लोग हिस्टोरिकल स्कूल यानी ऐतिहासिक विचारधारा के जनक के रूप में जाने वाले विधि शास्त्री फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी के बारे में जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इनके बारे में जानकारियां लेने की और साथ ही साथ इन्होंने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसको जानने की शुरुआत करते हैं। फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविग्नी का काल 1779 से 1861 तक का था। ज्यूरिस्ट जनरली कॉल हिम एज फादर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल। विधि शास्त्री सामान्यतया इन्हें ऐतिहासिक विचारधारा के जनक के रूप में मानते हैं। इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था वो किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो ड्यूरिंग दैट टाइम द नेपोलियंस रूल हैड एंडेड एंड द कोड्स इम्पोज्ड बाय देम वर बीइंग आर्ग्यूड टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू कोड्स टू रीइंस्टेट जर्मन रिस्पेक्ट। इस दौरान जर्मनी से नेपोलियन का शासन समाप्त हो चुका था तथा उनके द्वारा थोपी गई संहिताओं की जगह जर्मन सम्मान को बहाल करने के लिए नई संहिता की बड़े जोरों से दलील दी जा रही थी। द डिमांड फॉर कोडिफिकेशन वॉज बींग लेड बाई प्रोफेसर टिपॉट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग। संहिताकरण कराने का नेतृत्व हाइडलबर्ग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टिपॉट कर रहे थे। Sevigny responded in his famous pamphlet of the vocation of our age for legislation and jurisprudence in 1814 to the reasonings for codification given by Professor Tippett. Sevigny ne 1814 mein apni pustika of the vocation of our age for legislation and jurisprudence mein Professor Tippett ke sahidhakaran ki dalil ka jawab diya tha. इसके कारण ये बहुत चर्चा में भी आए और इनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह अपना ही प्रभाव छोड़ गया। सेविग्नी महोदय यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में काम करते थे और इनके बहुत से कामों में से कुछ कार्य जो ज्यूरिसप्रूडेंस के विद्यार्थी को जानने के लिए उपयोगी हैं, वो है वॉम्बर्फ 1814 में जो पब्लिश हुआ। द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक इनके द्वारा ये पब्लिश की गई थी जो कब्जे संबंधी विधि के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप में चर्चा करती है। एंड देन ही पब्लिश द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एजेस व्हिच वाज एक्चुअली इन 6 वॉल्यूम्स। हिज अदर वर्क ऑल्सो is the system of modern law. Now these all books are very significant and a great contribution as far as the jurisprudence is concerned. So along with the opposition to the codification, he also challenged the theories developed by the natural law jurists. उन्होंने संहिताकरण के विरोध के साथ साथ 18वीं शताब्दी के प्राकृतिक विधि विचारकों के द्वारा विकसित पद्धति को भी चुनौती दी थी। तो यहाँ हम जान लेते हैं कि सेविग्नी महोदय ने नेचुरल लॉ ज्यूरिस्ट्स और एनालिटिकल ज्यूरिस्ट्स के जो थॉट्स थे उनके बारे में क्या विचार व्यक्त किए थे। He argued that law is not derived from reason, rather it is a product of community's culture. उन्होंने इतिहास की दलील देते हुए कहा था कि विधि युक्ति से उत्पन्न नहीं होती है बल्कि यह समुदाय की संस्कृति की उपज है। ये तो उन्होंने एक तरह से उत्तर दिया था
नेचुरल लॉ ज्यूरिस्ट्स के विचारों का। और आगे उन्होंने एनालिटिकल ज्यूरिस्ट्स जो थे, एनालिटिकल लीगल पॉजिटिविज्म के, उनके जो विचार थे उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने कहा था, द लॉ वॉज नॉट समथिंग दैट शुड बी मेड आर्बिट्रली एंड डेलिबरेटली बाई ए लॉ मेकर। उनका विचार था कि विधि जानबूझकर और जबरन विधि निर्माताओं द्वारा निर्मित नहीं की जाती है। तो सेवेग्नी महोदय का क्या कहना था विधि के बारे में वो जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम लॉ इज ए प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल साइलेंटली ऑपरेटिंग फोर्स। उनके विचार में विधि अंतः में शांत भाव से कार्यरत ताकतों का परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, इट इज डीपली रूटेड इन द पास्ट ऑफ ए नेशन एंड इट्स ट्रू सोर्सेज वर पॉपुलर फेथ कस्टम एंड द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। उन्होंने जो बात कही आगे तो ये कहा उन्होंने कि इसकी जड़ें यानी विधि की जड़ें राष्ट्र के भूतकाल में गहरे रूप में जमी हुई होती हैं और इसका वास्तविक स्रोत जनप्रिय विश्वास, रूढ़ी और लोगों की सामान्य चेतना है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेवेग्नी महोदय ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया उसमें कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल यानी लोगों की सामान्य चेतना का जो बिंदु है यह केंद्र बिंदु रहा उनके सिद्धांत का। उनका मानना था, लाइक द लैंग्वेज द सोशल कॉन्स्टिट्यूशन एंड द मैनर्स ऑफ पीपल, लॉ वॉज डिटरमिंड अबव ऑल बाय द पिक्यूलियर कैरेक्टर ऑफ ए नेशन बाय इट्स नेशनल स्पिरिट, जिसे उन्होंने फोक्सटीज का नाम दिया। उनके अनुसार विधि का निर्धारण भाषा, सामाजिक संरचना और लोगों के तौर तरीकों तथा सबसे बढ़कर राष्ट्र के विशेष लक्षण या राष्ट्रीय भावना के आधारों पर होता है। सेवेग्नी महोदय ने इस राष्ट्रीय भावना को लोक चेतना का नाम दिया था और लोक चेतना के सिद्धांत के रूप में ही इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत प्रसिद्ध भी हुआ, उसी नाम से जाना भी जाता है। इट इज नोन एज द थ्योरी ऑफ फोक्सटीज। सो देन व्हाट वाज दिस थ्योरी ऑफ फोक्सटीज, ये लोक चेतना का सिद्धांत क्या है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। सेवेग्नी महोदय के अनुसार प्रत्येक समुदाय में निश्चित परिपाटी और रूढ़ी का विकास होता है जिसके अनवरत आचरण से विधिक नियम बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेविग्नी, इन एवरी कम्युनिटी सर्टेन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ग्रो अप विच बाय देयर कॉन्टिन्यूअस एक्सरसाइज इवॉल्व इनटू लीगल रूल्स। ओनली बाय अ केयरफुल स्टडी ऑफ दीज ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स कैन द ट्रू कंटेंट ऑफ लॉ बी फाउंड। सेविग्नी महोदय का मानना है कि केवल इन परिपाटियों तथा रूढ़ियों के ध्यानपूर्वक अध्ययन से विधि की वास्तविक अंतर्वस्तु को पाया जा सकता है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, इन द अर्लियर स्टेजेस द लॉ विल बी फाउंड टू हैव ऑलरेडी अटेन्ड द कैरेक्टर पिक्यूलियर टू द पीपल लाइक देयर लैंग्वेज, मैनर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सेविग्नी के अनुसार प्रारंभिक चरणों में ही विधि लोगों की भाषा और तरीके और सामाजिक संरचना के अनुकूल अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है। इट इज पिक्यूलियर टू द पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जो कि एक समुदाय के लोगों के बारे में विशिष्ट रूप से होती है। अकॉर्डिंग टू हिम, फैकल्टीज सच एज लैंग्वेज, मैनर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैव नो सेपरेट एग्जिस्टेंस बट दे इंटरमिंगल विद ईच अदर। उनके अनुसार भाषा, तौर तरीके और संरचना जैसे संघटक एक दूसरे से अलग न रहकर आपस में घुल मिल जाते हैं। और इन्हें बांधता कौन है? That which binds them into one whole is the common conviction of the people. समुदाय का सामान्य विश्वास इन्हें एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। एक समुदाय की भाषा, तौर तरीके, सामाजिक संरचना और विधि को जो समुदाय का सामान्य विश्वास है उन्हें एक सूत्र में
पिरोने का कार्य करता है. नाउ दिस कॉमन कन्विक्शन इज बेस्ड ऑन द किंड्रेड कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंटरनल नेसेसिटी. सेविग्नी महोदय के अनुसार ये सामान्य विश्वास सगोत्रता की चेतना और आंतरिक आवश्यकता पर आधारित होता है. एंड देन ही वेरी स्पेसिफिकली सेज दैट लॉ लाइक लैंग्वेज इज ए स्लो ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ. सेविग्नी महोदय का मानना है कि विधि भाषा के समान धीरे धीरे कायिक विकास की भांति विकसित होती है ना? उन्होंने इसको एक स्लो ग्रेजुअल और ऑर्गेनिक ग्रोथ कहा है, जैविक क्रिया, है ना, जैविक विकास के रूप में विधि को उन्होंने कहा है. और वो कहते हैं लॉ ग्रोज विद द ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ विद द स्ट्रेंथ ऑफ द पीपल एंड फाइनली डाइज अवे एज द नेशन लूजेस इट्स इंडिविजुअलिटी. सविग्नी महोदय के अनुसार विधि लोगों के विकास के साथ विकसित तथा लोगों की शक्ति के साथ शक्तिशाली होती है और राष्ट्र के व्यक्तित्व के विनष्ट होने के साथ मृत हो जाती है. ठीक, तो कुल मिला के इनकी जो लोक चेतना का जो सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ वोक जीस्ट है, वह इन बिंदुओं में हम कवर कर लेते हैं विस्तृत रूप में. ठीक है, अब इसके प्रमुख तत्व क्या है उनको नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं. सो देन वी विल सी द मेन फीचर्स ऑफ द थ्योरी ऑफ फोक जीस्ट. अब हम लोक चेतना के सिद्धांत के प्रमुख तत्वों को देख लेते हैं. सविग्नी महोदय ने कहा है कि विधि का निर्माण जानबूझकर नहीं किया जाता है, है ना, ये तो पिछली स्लाइड में देख चुके दैट द लॉ इज नॉट मेड डेलिबरेटली. सो अकॉर्डिंग टू हिम इट ग्रोज अकॉर्डिंग टू द पॉपुलर फेथ, देयरफॉर इट इज अ मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ. उनके अनुसार विधि जनप्रिय चेतना के अनुसार विकसित होती है, अतः इसका अचेतन और स्वाभाविक विकास होता है ना. साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि विधि निर्मित नहीं की जाती है बल्कि ये पाई जाती है. लॉ इज नॉट मेड बट इट इज फाउंड, क्योंकि वो कस्टम्स और ट्रेडिशंस की बात करते हैं ना, और कहते हैं कि उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो फिर हमें सारे तत्व मिलते हैं विधि के, है ना. तो एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग इज दैट लॉ इज नॉट मेड बट इट इज फाउंड. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. कई बार आपके एग्जाम में केवल ये एक सेंटेंस लिख करके पूछा जा सकता है कि इस कथन की विवेचना कीजिए, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये सविग्नी महोदय के द्वारा दिया गया है. साथ ही साथ सविग्नी महोदय ये भी कहते हैं कि जब विधि जो है वह लोगों के समुदाय के जो भाषा है, तौर तरीके हैं, सामाजिक संरचना है, उनके अनुरूप ही अपना स्वरूप ग्रहण कर लेती है, तो दिखती बात है कि विधि की प्रकृति सार्वभौमिक ना होकर स्थानीय या आंचलिक है. ये स्पष्ट हो जाता है दैट लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर बट इट इज लोकल और रीजनल. लाइक लैंग्वेज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू पीपल एंड एज. भाषा की भांति वह लोगों तथा काल के अनुसार परिवर्तित होती रहती है. स्पष्ट है ना. सविग्नी महोदय ने यह भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि रूढ़िगत विधि विधायन या राज्य से पूर्ववर्ती है. कस्टम प्रिसीड्स लेजिस्लेशन एंड स्टेट. यह विधायन से श्रेष्ठ होती है क्योंकि यह लोक चेतना के अनुरूप होती है. उनका यह भी मानना था दैट द कस्टमरी लॉ एक्चुअली इज सुपीरियर टू लेजिस्लेशन एज इट कन्फर्म्स टू द पॉपुलर कॉन्शियसनेस. The element in compliance of law is not of the moral influence but the influence of social pressure. और इसी के कारण वो बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विधि के अनुपालन में नैतिक प्रभाव का तत्व न होकर बल्कि सामाजिक दबाव का प्रभाव होता है. विधि का अनुपालन लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सामाजिक दबाव महसूस होता है और उसी कारण से वो विधि की अनुपालना करते हैं. सामाजिक दबाव क्यों होता है, लोक चेतना के कारण, है ना, क्योंकि उनके अनुसार ये तो लोगों की चेतना के ही अनुरूप होती है रूढ़िगत विधि. तो इसीलिए ये कस्टमरी लॉ को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, इतना इंपॉर्टेंट कि वो कहते हैं कि ये तो लेजिस्लेशन से भी सुपीरियर है. ठीक है, सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ फोक जीस्ट एज प्रपाउंडेड बाय सेविग्नी, we will see some of the points on which his theory
वॉज क्रिटिसाइज्ड। सविग्नि महोदय के द्वारा प्रतिपादित लोक चेतना के सिद्धांत को जानने के बाद में अब हम लोग उन कुछ बिंदुओं को भी देख लेते हैं जो हमें आसानी से याद भी रह जाएंगे और जिनके ऊपर उनके सिद्धांत की आलोचना हुई है। इन बिंदुओं को देखने से पहले, ये तो बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन उनमें से कुछ बिंदुओं को देखने से पहले हमें ये जान लेना भी जरूरी है कि सविग्नि महोदय के द्वारा जो लोक चेतना के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, बल दिया गया, वह दरअसल आलोचना के मुख्य बिंदुओं में से एक रहा है। द ओवर एम्फेसिस ऑन फोक चीस्ट बाय सविग्नि हैज बीन द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ many jurists who have criticized his theory. So the jurists generally say that the generalization of folk geist does not explain the status of many laws which are developed not on the basis of folk geist but are made for the convenience of a powerful minority. शास्त्रियों का कहना है कि लोक चेतना का सामान्यीकरण बहुत सी विधियों की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सकता है जो लोक चेतना के आधार पर विकसित न होकर एक अल्पमत प्रभावशाली वर्ग या शासक कुलीन तंत्र के हित साधन के लिए बनाई जाती हैं। इसमें वो उदाहरण स्वरूप दास प्रथा को लेते हैं, अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा को लेते हैं और वो कहते हैं कि इन प्रथाओं के अस्तित्व में आने का कारण लोक चेतना तो नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी फोक जेस्ट, क्योंकि ये प्रथाएं तो दरअसल प्रभावशाली वर्ग ने अपने हित साधन के लिए बनाई थी। देन दोस ज्यूरिस्ट्स आल्सो से दैट दिस डॉक्ट्रिन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ अदर कंट्रीज ऑन द लीगल डेवलपमेंट्स। विधि शास्त्रियों के अनुसार ये सिद्धांत दूसरे देश या मूल मंच के प्रभावशाली व्यक्तियों के विधिक विकास पर डालने वाले प्रभाव को भी गंभीरता से नहीं लेता है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि रोम के विख्यात विधि शास्त्री लिटिल टन या कोक महोदय जो रहे हैं या मार्क्स आदि ऐसे विद्वान हुए हैं जो कि विधि विशेषज्ञ थे और उन्होंने दूसरे देश की विधियों को भी प्रभावित किया है। तो लोग ये कहते हैं कि ये जो थ्योरी है ये दरअसल इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भी ओवरलुक कर देती है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, अगर उनके विचारों से प्रभावित होकर के एक देश में विधि बनी है या उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं तो फिर उसमें वहां समुदाय में रहने वाले लोगों की कोई विशिष्ट लोक चेतना का आधार रहा हो उस परिवर्तन में, ऐसा तो परिलक्षित नहीं होता है। और इसी कारण से ये जो डॉक्ट्रिन है ये इस चीज का भी ध्यान नहीं रखती है, उसके प्रभाव को भी गंभीरता से नहीं लेती है जो बाकी के लोगों का एक्चुअली होता है। यहीं पर ही अगर हम लोग ये बात समझ ले कि कई बार तो केवल एक व्यक्ति के प्रयासों से ही विधि आती है, बनती है, हम लोग जानते हैं, है ना, इंडिया में ही बनी हुई है, तो वो भी लोक चेतना का भाग रहा हो और इस कारण से वो विधि बनी हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, हम लोग जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट भी हमें सही लगता है कि ये बात सही है कि सारी ही विधियां फोक जीस्ट के ऊपर आधारित हो, ऐसा तो नहीं है। देन दे आल्सो से दैट द स्कोप ऑफ दिस थ्योरी इज नैरो, उनके अनुसार इस सिद्धांत का दायरा संकुचित है, बिकॉज देर आर मेनी लॉज इन विच दे विच आर एक्चुअली नॉट लिमिटेड टू नेशनल कैरेक्टर, जैसे क्रिमिनल लॉ एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सी विधियां हैं जिसमें राष्ट्रीय प्रकृति नहीं रह पाती है, जैसे आपराधिक इत्यादि, है ना, उसमें राष्ट्रीय कोई प्रकृति है पर्टिकुलर, ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल लॉ तो हर जगह लगभग समान रूप से ही होता है और एग्जिस्ट कर रहा है, और दोज लॉज विच आर एक्चुअली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रगल, दैट इज लेबर लॉज, या फिर ऐसी विधियां जो संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, जैसे कि श्रमिक विधियां। तो ये जो थ्योरी है ये इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को भी अपने दायरे में नहीं लेती है, बहुत स्पष्ट है, ये बात हमें समझ में आ रही है ना। देन बाय लिमिटिंग द लॉ टू द कस्टम्स ऑफ पॉपुलर कॉन्शियसनेस द एलिमेंट ऑफ नोवेल्टी इन लॉ हैज बीन इग्नोर्ड। विधि शास्त्रियों ने ये भी कहा है कि विधि को लोक चेतना की रूढ़ियों के रूप में अभिव्यक्ति तक संकुचित करने से विधि में नवीनता के तत्व को ही अस्वीकार कर दिया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है।
और उसके बाद ये तो हम सभी जानते हैं दैट कस्टम्स आर नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन पॉपुलर कॉन्शियसनेस, रूढ़ियां हमेशा ही लोक चेतना पर आधारित हो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये जो कुछ बिंदु है क्रिटिसिज्म्स के, ये बहुत ही रेलेवेंट लगते हैं जब हम सेवेग्नी महोदय के द्वारा प्रतिपादित लोक चेतना के सिद्धांत को देखते हैं, है ना। लेकिन इस सिद्धांत का और सेवेग्नी महोदय का बहुत बड़ा योगदान रहा है विधि शास्त्र में, तो अब उसके बारे में भी जान लेते हैं। सो नाउ वी कम टू द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट सेवेग्नी हैज मेड एंड हिज थ्योरी ऑफ फोक्स डीज हैज मेड इन द फील्ड ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। अब हम लोग सेवेग्नी महोदय के द्वारा उनके लोक चेतना के सिद्धांत के माध्यम से विधि शास्त्र में जो योगदान दिया गया उसको देख लेते हैं। Undoubtedly, he has been considered to be a great jurist of the 19th century. निस्संदेह उन्हें 19वीं शताब्दी के महान विधि शास्त्री के रूप में जाना जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि सेवेग्नी महोदय ने विधि के ऐतिहासिक पहलू की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। न केवल ये बल्कि उन्होंने नेचुरल लॉ जुरिस्ट यानी प्राकृतिक विधि के जो विधि शास्त्री रहे उन्होंने युक्ति पर जो अधिक बल दिया था उसके बारे में भी कुछ विचार प्रस्तुत किए जो बहुत सटीक प्रतीत होते हैं, और साथ ही साथ एनालिटिकल स्कूल यानी विश्लेषणात्मक विचारधारा के जो विधि शास्त्री रहे उनके द्वारा सॉवरन का जो रोल है या सॉवरन संप्रभु की जो भूमिका रहती है विधि के बनने में उसमें भी जो अतिशयता थी उसको भी किसी हद तक या काफी हद तक कहे तो दूर किया। डार्विन का ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो 1859 में प्रकाशित हुआ उससे भी ऐतिहासिक विचारधारा को एक नवीन वैज्ञानिक समर्थन मिला। हिस्टोरिकल स्कूल गॉट न्यू साइंटिफिक सपोर्ट विद द पब्लिकेशन ऑफ डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज व्हिच वाज पब्लिश्ड इन 1859। ये जो प्रकाशन हुआ था डार्विन महोदय का जो थ्योरी थी उसका इस पर्टिकुलर पुस्तक में, वह सेवेग्नी महोदय के विचारों के प्रस्तुत करने के कुछ वर्षों के भीतर ही हो गया था। इसके माध्यम से भी जो इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट है मैनकाइंड का कि वो किस तरह से विकसित हुआ किस तरह से बढ़ता है उसको भी सपोर्ट मिला था डार्विन महोदय ने जो अपनी बात इस किताब में कही थी और अपनी जो थ्योरी इस बुक में प्रस्तुत की थी। सेवेग्नी प्रोग्रेसिव व्यू गेव बर्थ टू द कंपैरेटिव ज्यूरिसप्रूडेंस। सेवेग्नी के विकासवादी दृष्टिकोण ने तुलनात्मक विधि शास्त्र के विकास को जन्म दिया था। टू व्यू दैट लॉ इज क्लोजली कनेक्टेड विद द पीपल एंड क्लोजली इवॉल्व्स कंटेन्ड द जर्म्स ऑफ फ्यूचर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज। सेवेग्नी ने विधि और समाज के अभिन्न संबंधों को स्पष्ट कर सामाजिक विचारकों के लिए अध्ययन का उर्वर क्षेत्र इंगित किया। निसंदेह इसीलिए इन्हें सोशियोलॉजिस्ट बिफोर द सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्ट भी कहा जाता है, यानी ये एक ऐसे सामाजिक विचारक थे जो कि सामाजिक विचारकों से भी पहले के रहे हैं ऐसा कहा जाता है, और बल्कि उन्हें ये भी कहा जाता है दैट ही वाज अ डार्विनियन बिफोर द डार्विन। ठीक है, ये तो हम सभी जानते हैं दैट ही ट्राइड टू इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ नेचुरलनेस और सिंप्लिसिटी इन लॉ। सेवेग्नी ने विधि में सहजता का तत्व सम्मिलित करने का प्रयास किया। ये बात जरूर हमें ध्यान में रखनी है कि सेवेग्नी दरअसल संहिताकरण यानी कोडिफिकेशन के विरोधी नहीं थे। वो केवल ये कहते थे कि उचित समय आने पर और पर्याप्त विकास होने के बाद में ही यदि विधि का संहिताकरण किया जाए तो वह बेहतर होगा किसी भी समाज के लिए। साथ ही साथ यह जानना भी आवश्यक है कि सेवेग्नी महोदय ने कई सारे विधि शास्त्रियों को अत्यधिक प्रभावित किया। इनमें मुख्य रूप से पाउंड महोदय, जिनको हम जब समाज शास्त्रीय संबंधी दृष्टिकोण को देखेंगे यानी सामाजिक विचारधारा के अंतर्गत, तो इनके बारे में हम जानेंगे, और उसके अलावा पुच्छता नामक एक बहुत इम्पोर्टेंट विधि शास्त्री रहे हैं, उनके ये गुरु थे, तो इन लोगों को भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है। कहना ना होगा कि इनके द्वारा जो लोक चेतना का सिद्धांत दिया गया उसे कई लोगों ने संकीर्ण रूप में भी लागू किया था अपनाया था, जिसमें कि
रेसिज्म का एस्पेक्ट बहुत ज्यादा एम्फेसाइज एक्चुअली किया गया था, विच वॉज नॉट द आइडिया ऑफ सेविग्नी, जो कि सेविग्नी महोदय का विचार दरअसल नहीं था। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज जो हम लोगों ने सेविग्नी महोदय के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था आलोचना सहित, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप लोग सभी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवारजनों का भी और अपने बाकी सब लोगों का भी। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।